भरतपुर के पूर्व राज परिवार के विवाद में गहलोत का हाथ। पूर्व कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह की पत्नी और बेटे ने लगाया आरोप। पत्नी दिव्या सिंह और पुत्र अनिरुद्ध ने दिया बड़ा बयान। पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर लगाए आरोप। भरतपुर के पूर्व राज परिवार के विवाद में एक अब अलग ही मोड़ आ गया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह की पत्नी दिव्या सिंह और पुत्र अनिरुद्ध ने इस पारिवारिक विवाद के पीछे राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत का हाथ बताया है। पूर्व सांसद दिव्या सिंह ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत का नाम लेकर कहा कि उन्होंने पिछले 2-2.5 साल तक खूब घी छिड़का है। गहलोत ने भी आग लगाने का काम किया है। एक तो एक भरतपुर के वरिष्ठ पीसीसी सदस्य ने कहा है कि सारे फसाद के पीछे एक बहुत सीनियर कांग्रेस लीडर का हाथ है। वो बात तो उन्होंने बिल्कुल सही कही है। कौन लीडर है और क्या कर रहे हैं वो परांग साहब बिराजे हैं, बताएंगे। गहलोत खूब घी छिड़का है। दोस्तों 2-2.5 साल तक तो गहलोत जी ने ही बहुत आग लगाई है, इसमें शक नहीं है। और बिल्कुल जिन्होंने भी कहा है, ये स्टेटमेंट दिया है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया है। उनको पता होगा शायद कि गहलोत ने ये सब आग लगाने का काम, घाव में घी छिड़कने का काम खूब किया। फोन कॉल रिकॉर्ड करने का भी आरोप। वहीं विश्वेंद्र सिंह के बेटे अनिरुद्ध सिंह ने कहा, यह मामला एसडीएम कोर्ट में है, हम लोगों को अदालत पर पूरा भरोसा है, हमें कोई पंचायत जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। दिव्या सिंह ने कहा, 35 साल में हमने काफ़ी पंचायत देखी है। उन्होंने आरोप लगाया कि हमारे कॉल रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। पहली चीज़ तो ये कि मुझे पूरा यकीन है और हमारे सोर्सेज से कि ही वॉज टैपिंग आर कॉल्स, हमारे लिए कॉल जो हमारे कॉल्स थे उनको ये लोग रिकॉर्ड कर रहे थे। दूसरा, मोती महल पैलेस के बाहर जो नगर निगम एरिया है, जो यूआईटी एरिया है, उसका सौंदर्यीकरण प्रोजेक्ट्स कई सारे तत्कालीन एडीएम साहब सैंक्शन करके गई थी, उन सारे सौंदर्यीकरण प्रोजेक्ट्स को रोक दिया गया, जहां तक कि मोती महल पैलेस में अंदर जो भरतपुर का सुएज काम हो रहा है वो तक नहीं हो पाया। दैट इज़ द सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट ये है कि हम लोगों को कुछ अपने परमिशंस चाहिए थी यूडीएच से किसी काम की, कई तो वो सब हमारी जो बातें थी रोक दी गई। हम लोगों ने अशोक गहलोत जी से मिलने का भी प्रयास किया, लेकिन वो भी रोक दिया गया। और मोती महल परिसर जो कि एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने नहीं की कोई मदद, सुरक्षा मांगने पर भी नहीं दी मदद। दिव्या सिंह और अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि मोती महल परिसर ऐतिहासिक धरोहर है, उसमें एंटिक वस्तुएं हैं, जिनकी सुरक्षा के लिए पूर्व सीएम अशोक गहलोत से 1-4 का गार्ड जाप्ता मांगा था, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। अगर कल कोई कीमती वस्तु महल से लापता होती है तो इसके जिम्मेदार पूर्व सीएम गहलोत होंगे। खास खबर .com के लिए भरतपुर से अजय कुमार की रिपोर्ट।